क्या आप लोगों ने कभी कोई लॉटरी के टिकट खरीदी है, या फिर आप लोगों में से कोई लकी है, किसी ने वो जीती होगी, तो प्लीज़ पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी लॉटरी की टिकट नहीं खरीदी होगी। अब इस केस को सुनने के बाद डेफिनेटली आप लोग लाइफ में कभी भी किसी भी तरीके की लॉटरी की टिकट नहीं खरीदेंगे। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न इस केस को सुनने के बाद आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब ये केस इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैं बिना किसी देरी के आप लोगों की स्क्रीन के पीछे आ जाता हूँ। लेकिन उससे पहले, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। अब आज की कहानियाँ में लेके चलती है सिडनी में। सिडनी से तो हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के स्टेट न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल सिटी है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े सिटीज में से एक है और सिडनी के ओपेरा हाउस को हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रेजेंट में इस सिटी की पॉपुलेशन लगभग 53 लाख की है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ साल 1960 में, और 1960 में ही सिडनी में रहती थी थॉर्न फैमिली। थॉर्न फैमिली में चार मेंबर थे। पहले मेंबर थे बैसिल थॉर्न, उनकी वाइफ फ्रेडा थॉर्न, और उन दोनों के दो बच्चे थे ग्रैहम थॉर्न और बैलेंडा थॉर्न। अब बैसिल थॉर्न एक सेल्समैन थे, और होता यूं है कि 1 जून साल 1960 को वो जैसे ही सिडनी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो बहुत सारे रिपोर्टर्स उनके पास आकर उनकी पिक्चर्स लेने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे 1 लाख पाउंड की एक लॉटरी जीती है, और ये चीज़ उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, इसलिए सारे रिपोर्टर्स उनसे बातचीत करना चाहते थे। अब होता ये है कि अगले दिन न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे ही इसके बारे में छाप दिया जाता है, जिसमें बैसिल थॉर्न के साथ साथ उनकी वाइफ और उनके दोनों बच्चे, यहाँ तक कि उनके घर के एड्रेस को भी छाप दिया जाता है। थॉर्न्स को अभी भी पैसे नहीं मिले थे और कुछ हफ्ते लग जाते उन्हें वो 1 लाख पाउंड मिलने में। अब क्योंकि अभी तक उनके पास पैसे नहीं आए हैं, इसीलिए पहले से कोई भी खर्च थॉर्न फैमिली नहीं करना चाहती थी। लेकिन बैसिल और फ्रेडा एक चीज़ के लिए अग्री हो गए कि उनको अपने रेंटेड घर के लिए एक फ़ोन ले लेना चाहिए। अब अभी तक उनका फ़ोन कनेक्ट भी नहीं हुआ था कि उनके घर पर एक यूरोपियन एक्सेंट वाला आदमी एक विजिट करता है। वो बताता है कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और वो मिस्टर बॉगना नाम के आदमी को ढूंढ रहा है। फिलहाल घर पर बैसिल थॉर्ने तो नहीं थे, लेकिन फ्रेडा थॉर्ने उनसे मिलती हैं। अब वो आदमी उनसे ही बोलता है कि क्या वो उनके घर का फ़ोन नंबर कंफर्म करेंगी, जो कि उस आदमी के रिकॉर्ड्स में है। अभी भी उनके घर का फ़ोन चालू नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद फ्रेडा वो नंबर को कन्फर्म कर देती हैं और ये बोलती हैं कि वो नंबर बिल्कुल सही है। अब इसका मेन रीज़न ये था कि फ्रेडा मिस्टर बॉगना नाम के आदमी को नहीं जानती थी, इसीलिए वो बोलती हैं कि वो आजू बाजू वाले अपार्टमेंट्स को चेक कर ले, शायद मिस्टर बॉगना उनको वहाँ पे मिल जाए। अब थॉर्न के लिए सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। बैसिल इधर उधर अपने सेल्स के काम से ट्रैवल करते रहते हैं और घर पर फ्रेडा अपने दोनों बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती थी। अब ग्रैहम थॉर्न, जिसकी एज 8 साल की थी, वो हर रोज़ अपने घर से निकल कर एक कॉर्नर स्टोर पर जाता है, वहाँ पर अपने लिए कुछ खाने के लिए लेता है और अपनी मदर की फ्रेंड फिलिस का वेट करता है, जो कि रोज़ उसे वहाँ से लेकर उनके स्कूल पर ड्रॉप कर देती थी। अब एक थर्सडे मॉर्निंग को जब फिलिस उस दुकान पे पहुँचती हैं तो वो देखती हैं कि ग्रैहम वहाँ पे नहीं था। तुरंत वो फ्रेडा के पास जाती हैं और फ्रेडा ये बोलती हैं कि घर से ग्रैहम तो निकल चुका था, और बिना किसी देरी के वो दोनों लेडी पुलिस को जाकर इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म कर देती हैं। बिना किसी देरी के पुलिस थॉर्न के घर पर चली जाती है ग्रैहम थॉर्न की डिटेल्स लेने के लिए। जब पुलिस उनके घर पर ही होती है तब एक फोन आता है, उस फोन को फ्रेडा थॉर्न उठाती हैं। दूसरी तरफ एक आदमी बात कर रहा होता है जो ये बोलता है कि उसने ही ग्रैहम को किडनैप कर रखा है और उनको उनके हस्बैंड से बात करनी है। अब क्योंकि बैसिल तो घर पे थे नहीं, इसीलिए फ्रेडा उस फोन को पुलिस ऑफिसर को दे देती है। कॉल पर वो आदमी ये बोलता है कि अगर बैसिल थॉर्न ने उनको पूरे 20,000 पाउंड्स नहीं दिए
तो वो ग्रहम को शार्क्स को खिला देगा। फ्रेडा को 1% अंदाजा था कि शायद उसका बेटा किडनैप हो गया है और ये 1% रियलिटी बन गई थी। अब जब तक बैजिल अपने सेल्स के काम से घर पर वापस लौटे तब तक पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। आसपास के सभी लोकल्स को पुलिस ने ग्रहम की डिस्क्रिप्शन से वाकिफ करवा दिया था। पुलिस सबके घर घर जाकर पूछताछ कर रही थी, यहाँ तक कि चलते फिरते लोगों को रोककर, यानी चलती फिरती गाड़ियों को भी रोककर वो ग्रहम के बारे में पूछताछ कर रहे थे। इसके साथ साथ थॉर्न फैमिली के फोन को भी अच्छे तरीके से मॉनिटर करा जा रहा था। जब पुलिस इन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्होंने थॉर्न फैमिली से एक सवाल पूछा, क्या कुछ दिनों पहले कुछ अनयूजुअल हुआ था उन सबके साथ? इस पर फ्रेडा थॉर्न ने ये जवाब दिया कि कुछ दिनों पहले एक यूरोपियन आदमी उनके घर पर आया था और उनको 100% श्योर है कि वो आदमी वो कॉलर ही था, क्योंकि उन दोनों की आवाज बिल्कुल सेम थी। उसी इवनिंग वो कॉलर यानी वो किडनैपर वापस से थॉर्न फैमिली को फोन करता है और सारे इंस्ट्रक्शंस देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और डिटेल्स बताए या पुलिस उसकी कॉल को ट्रेस करे तब तक वो कॉल को काट देता है। अब क्योंकि ये केस इतना ज्यादा ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका था कि बैसिल थॉर्न टीवी पे आकर रिक्वेस्ट करते हैं किडनैपर से कि उनके बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए और प्लीज वो उनको सेफली रिटर्न कर दे। अब क्योंकि ये केस इतना ज्यादा हाईलाइट हो चुका था कि न्यू साउथ वेल्स की गवर्नमेंट ने ये चीज अनाउंस कर दी कि जो भी ग्रहम के किडनैपर से रिलेटेड कोई भी सबूत लेके आएगा उनको पूरे 20,000 pounds दिए जाएंगे। इसके बाद पुलिस को कॉल्स आने लगते हैं। कुछ कुछ की बातें तो कोई सेंस कर रही थी, लेकिन कई सारे तो खुद ही किडनैपर बन के बात कर रहे थे ताकि वो उन पैसों को गवर्नमेंट से ऐड सके। अब पुलिस दो एविडेंस पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही थी। पहला तो वो आदमी जिसने थॉर्न फैमिली को विजिट किया था और दूसरा एक गाड़ी थी यानी ब्लू फोर्ड कस्टम लाइन जो किडनैपिंग और उसके साथ साथ कुछ दिनों पहले से ही उस एरिया में बहुत ज्यादा दिख रही थी। एक विटनेस ने उस कार चलाने वाले आदमी के बारे में डिस्क्राइब करते हुए बोला कि उस आदमी के डार्क हेयर्स थे और यूरोपियन कॉम्प्लेक्शन था। कुछ ही दिन पहले इसी तरीके के एक आदमी को थॉर्न फैमिली के घर के पास एक पार्क में भी देखा गया था, मतलब ग्रहम के किडनैपिंग के कुछ दिनों पहले। इसके बाद पूरे न्यू साउथ वेल में जितने भी लोगों के पास ब्लू फोर्ड कस्टम लाइन गाड़ी थी पुलिस ने सबके इंटरव्यू लिए, लेकिन कोई भी तरह की लीड उनको नहीं मिलती है। किडनैपिंग के 6 हफ्ते बाद एक बच्चों का ग्रुप एक समुद्र के किनारे पे खेल रहा होता है और तभी उनकी नजर एक चीज पे पड़ती है और वो एक कंकाल होता है जो एक ब्लैंकेट से लपेटा हुआ होता है। तुरंत बच्चों ने इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताया और उन्होंने पुलिस को बुला लिया, और वो बॉडी और किसी की नहीं बल्कि ग्रहम थॉर्ने की ही थी। ग्रहम की ऐसी डिस्कवरी की किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन उसकी वजह से पुलिस को एक ऐसा एविडेंस मिल जाता है जिसकी वजह से वो उस किलर को पकड़ लेते हैं। जब ग्रहम की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें ये चीज सामने आई कि उसके स्कल फ्रैक्चर था, उसके साथ साथ उसको ऑक्सीजन डिप्रेवेशन भी थी, और यही दोनों चीज थी जिसकी वजह से ग्रहम मर गया था। इसके साथ साथ उस ब्लैंकेट को और ग्रहम के कपड़ों को भी अच्छे तरीके से एग्जामिन किया गया। अब ग्रहम ने वही कपड़े पहन रखे थे जो कपड़े उस दिन वो घर से निकलने टाइम पहना हुआ था। इसका मतलब ये था कि किडनैपिंग के महज 24 घंटे में ग्रहम को मार दिया गया था। उस ब्लैंकेट पर से इंसान के साथ साथ कुत्ते के हेयर्स को भी पाया गया था। इसके साथ साथ दीवार को प्लास्टर करने वाली रेत भी उस ब्लैंकेट से मिली थी। अब पुलिस का ये मानना था कि उनकी बॉडी को फेंकने से पहले कहीं कई दिनों तक उनकी बॉडी को छुपा के रखा गया था। उस ब्लैंकेट में से साइप्रस ट्रीज के कुछ पत्ते भी मिलते हैं। अब जहां पे ग्रहम की बॉडी मिलती है वहां के आसपास कहीं भी साइप्रस ट्री नहीं था, और इस पूरी चीज को बॉटनिस्ट इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ये चीज बताया कि वो पत्ते दो अलग अलग साइप्रस ट्री के हैं, और दो अलग अलग तरह के साइप्रस ट्री एक पास उगना बहुत बड़ी बात है, ऐसा बहुत कम होता है। अब इसकी वजह से पुलिस को बहुत हेल्प मिलने वाली थी, क्योंकि धीरे धीरे उनकी सर्च नैरो हो रही थी। अब इन्हीं सारी डिस्क्रिप्शंस के आधार पर पुलिस ने उस आदमी को ढूंढने की अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, और इसी डिस्क्रिप्शन से मैच होता एक घर उनको मिल जाता है, और इसके बारे में पुलिस को एक पोस्टमैन ने बताया था। ये घर था क्लॉनटाफ में। क्लॉनटाफ एक सिटी थी, और उस घर में पहले रहते थे स्टीफन ब्रैडली नाम के एक आदमी जो कि एक हंगेरियन इमिग्रेंट थे।
स्टीफन ने अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ ग्रैहम के किडनैप होने के एक ही दिनों बाद वो घर छोड़ दिया था। उसके बाद वो फैमिली कुछ दिनों तक मैनली में रही, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने वो घर भी छोड़ दिया। अब स्टीफन ब्रैडली से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि पहले उनके पास एक ब्लू फोर्ड कस्टम लाइन गाड़ी थी और ग्रैहम के डिसअपीयरेंस के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने वो गाड़ी बेच दी थी। पुलिस को याद आता है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले भी उन्होंने स्टीफन ब्रैडली से बात करी थी इसी कार से रिलेटेड, लेकिन तब उन लोगों को कोई भी चीज सस्पिशियस नहीं लगती थी। उस कार को ढूंढा गया और अंदर से एग्जामिन भी किया गया। उसके अंदर एक कुत्ते के और इंसान के बाल मिले, जैसा कि उस ब्लैंकेट से पाया गया था जिसमें ग्रैहम की लाश को लपेटा गया था। अब वो कुत्ते के बाल स्टीफन ब्रैडली के पेट के थे जिसका नाम शेरी था, और वो इंसान के बाल जो कि रेड कलर के थे वो स्टीफन के वाइफ मैगडा के थे। जब पुलिस ने उस घर की इन्वेस्टिगेशन करी तो उस घर के बेसमेंट में सेम उसी तरीके का ब्लैंकेट मिला था जिस तरीके का ब्लैंकेट ग्रैहम के पास से मिला था, मतलब ग्रैहम जिसमें लपेटा हुआ था, और घर में वो ब्लैंकेट जो मिला था वहां से वो फटा हुआ था, मतलब दोनों ब्लैंकेट बिल्कुल सेम थे। स्टीफन के फैमिली जिस मैनली वाले हाउस में रह रहे थे, पुलिस को वहां से एक फिल्म रोलर मिलती है यानी फोटो रोलर। उनमें कई फोटोज में ब्रैडली का पूरा परिवार एक साथ था और कई फोटोग्राफ्स में सेम तरीके के ब्लैंकेट को पुलिस ने पाया था। इसके बाद स्टीफन ब्रैडली के फोटोग्राफ को फ्रेड और बैसिल थॉर्न को दिखाई गई और उन्होंने पहले ही नजर में ये चीज साफ क्लियर कर दी कि स्टीफन ही वो आदमी था जो उस दिन उनके घर पर आया हुआ था। अब आखिरकार ये चीज पूरे तरीके से कंफर्म हो गई कि स्टीफन ब्रैडली ही वो आदमी थे जिन्होंने ग्रैहम को किडनैप किया था और उनको मार दिया था। ग्रैहम को मारने के बाद स्टीफन ने ऑलरेडी ये प्लान बना लिया था कि वो ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर इंग्लैंड चले जाएंगे और अपनी पत्नी और अपने बच्चों से ये चीज बोली थी कि इसकी वजह से उन सभी की जिंदगी को एक नई शुरुआत मिलेगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन था कि वो पुलिस से भाग रहे थे और ये ट्रैवलिंग वो शिप से करने वाले थे, और वो अपने प्लान में सक्सेसफुल भी हुए। वो शिप से ट्रैवल कर अपने पहले स्टॉप पर रुके थे और वो स्टॉप था श्रीलंका का कोलंबो, लेकिन वहां पे पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि ये केस इतना ज्यादा फेमस हो गया था इसीलिए दूसरी कंट्री के मदद से ही इनको पकड़ा गया था। क्योंकि आप सब लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई मुजरिम देश से बाहर चला जाता है तो उसको पकड़ना उतना आसान नहीं होता, तो यहाँ पे श्रीलंकन पुलिस की भी हेल्प ली गई। जब ब्रैडली वापस ऑस्ट्रेलिया आए तो तुरंत ही पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ चालू कर दी। स्टीफन ब्रैडली ने भी ये चीज कबूल कर ली थी कि उसने ही ग्रैहम को किडनैप किया था और उसको मारा था। फिर इसके बाद पुलिस ने स्टीफन से डिमांड रखी कि उस पूरे इवेंट को कैसे उन्होंने किया इस चीज को वो डिस्क्राइब करें। तब स्टीफन ने शुरुआत करी कि उन्होंने न्यूज़पेपर में बैसिल थॉर्न की 1,00,000 पाउंड की ओपेरा हाउस लॉटरी जीतने वाली खबर को पढ़ा था और तभी उसने ग्रैहम को किडनैप करने का प्लान कर लिया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस न्यूज़पेपर में बैसिल थॉर्न की फैमिली के बारे में, उनके घर के एड्रेस के बारे में सब चीज को बहुत रिवील कर दिया था। अब ग्रैहम को अपनी कार में स्टीफन ने ये बोलकर बिठाया कि फिलिस उस दिन बीमार थी इसीलिए आज वो उनको उनके स्कूल पर छोड़ेंगे। अपने घर के गैराज में ले जाने से पहले स्पिट ब्रिज पे स्टीफन ने ग्रैहम के घर पर कॉल किया था। इसके बाद उन्होंने जबरदस्ती ग्रैहम को अपनी कार की डिग्गी में रख दिया था और जब रात को उन्होंने चेक किया तब तक ग्रैहम मर चुका था। इसके बाद सीफोर्थ की एक वेकेंट जगह पे उन्होंने ग्रैहम की लाश को डंप कर दिया। अपने कन्फेशन में उन्होंने ये चीज बताई कि उन्होंने ग्रैहम को किडनैप करने का तो प्लान किया था लेकिन उनकी डेथ एक कंप्लीट एक्सीडेंट थी। इसके बाद जैसे ही स्टीफन का ट्रायल स्टार्ट हुआ तो उन्होंने अपनी सारी स्टेटमेंट को पलट दिया। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने इनिशियल कन्फेशन इसलिए किए थे क्योंकि पुलिस ने उनसे कहा था कि वो उनकी और उनकी वाइफ उनके बच्चों की जिंदगी बहुत ज्यादा खराब कर देंगे अगर उन्होंने वैसा नहीं बोला तो। जब फ्रेडा थॉर्न ने कोर्ट रूम में आई तो उन्होंने तुरंत स्टीफन ब्रैडली को पहचान लिया और चिल्ला कर ये बोला कि यही वो आदमी है जिसने मेरे बेटे को मारा है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट के साथ साथ पैथोलॉजिस्ट ने ये चीज पाया कि सिर्फ कार की डिग्गी में बंद रहने से किसी इंसान की मौत नहीं होती है।
और तो और वो स्कल का फ्रैक्चर इतनी आसानी से किसी को नहीं होता। इसके बाद कई दिनों तक कोर्ट में ये केस चलता रहा और आखिर में सारे जूरर्स इस चीज पे अग्री हो गए कि स्टीफन ब्रैडली ने ही ग्राहम थॉर्ने का मर्डर किया था और उनको गिल्टी पाया गया। इसकी वजह से उनको पूरी जिंदगी जेल में बिताने की सजा हो गई, लेकिन 42 इयर्स की एज में ही हार्ट अटैक की वजह से वो जेल में मर जाते हैं। इस केस की वजह से पूरे ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, जैसे कि किडनैपिंग के लॉस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया, उसके साथ साथ फॉरेंसिक साइंस को और ज्यादा तवज्जो दी गई, क्योंकि उसके बिना ये केस सॉल्व नहीं हो सकता था। और एक बहुत बड़ा चेंज आया लॉटरी सिस्टम में, जिसमें वो जीतने वाले की प्राइवेसी को रिवील नहीं करेंगे, जैसे कि उनकी फैमिली के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, यहाँ तक कि उनके एड्रेस के बारे में, सारी चीजों को एनोनिमस रखा जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया में ये सारे चेंजेस तो आ गए, लेकिन किस कीमत पे? एक 8 साल के मासूम बच्चे के मर जाने के बाद। अब एक बार फिर से मैं आप सबसे पूछता हूँ कि लॉटरी के टिकट खरीदने पे, लॉटरी जीतने पे कैसा लगता है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब जैसा कि मैंने वीडियो के लास्ट में बोला था कि चाहे प्रेस वाले अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बदल लें, लॉटरी कंपनीज अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को बदल लें, या फिर किडनैपिंग के लॉस को स्ट्रिक्ट किया जाए, इन सब चीजों से ग्रेम थॉर्ने वापस नहीं आने वाले। सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच की वजह से एक मासूम बच्चे की जान तो चली गई। खैर, अब आप लोगों का क्या कहना है इस केस के ऊपर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मैं तो यहीं पे हूँ और हमेशा यहीं पे रहने वाला हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस कमरे से बाहर जाके कुछ ऑन साइट केसेस को भी सॉल्व करूँ, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। और मुझे सपोर्ट कैसे करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। खैर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना है।